बोलो गोविंद गिरी की जय बोलो जय बोलो गोपाल गिरी की जय बोलो गोविंद गिरी की तुम दिल से फेरो माला माला तेरी जय ओकारी मठ वाला हो जय बोलो गोविंद गिरी की जय बोलो गोविंद गिरी तुम दिल से फेरो माला माला तेरी जय ओकारी मठ वाला हो पर सच्ची आस लेकर जाते हैं वो झोलियां भर कर जाते हैं जो कपट से आते हैं वो खाली लौट जाते हैं तूने सभी का ही तो चाहा किया है क्या दर्शाया नंबर एक पर हर जन तेरा प्यारा जिसने भी तुझे पुकारा दुखियों की करो सहाय ओ सहाय दुखियों की करो सहाय बनकर सहस बुझा वाला वाला तेरी जय ओकारी मठ वाला जय बोलो गोविंद गिरी की जय बोलो गोविंद गिरी की बाबा की स्तुति पर खुश होकर अंकल जी भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं भाई बाबा इनके भंडार भरे रखे और बता के बाबा तेरे इस भंडारे में तेरे इस सत्संग में तेरे इस मेले के अंदर ये बड़ी बड़ी संत मूर्तियां आती हैं और ये आकर इस नगरी को भी पावन कर देते हैं क्या बता दिया नंबर 2 पर और ज्ञान के गीत सुनाते ओ या संत महात्मा आते और ज्ञान के गीत सुनाते ये अगम की बात बताते देखो खोल खोल समझाते यह आते ज्ञानी ध्यानी कोई फक्कड़ वस्त्र धानी बूढ़ा कोई बड़ी जवानी अरे मरद हो चाहे वीर बानी तुझे सब है एक बराबर हो बराबर तुझे सब है एक बराबर क्या अदना है क्या आला आला तेरी जय हो कारी मठ वाला जय बोलो गोविंद गिरी की जय बोलो गोविंद गिरी की माला माला
और एक आध भगत तो इसे भी हैं जो किसी बीमारी के वश लाचारी के कारण यहाँ तक नहीं आ पाते, लेकिन घर न बैठ के जब उड़े सुमर ले तो बाबा उड़े खड़ा पाओ से। क्या बता दिया नंबर तीन में। साहब ने बाबा के भजन पर खुश होकर 100 रुपए से इस पार्टी का मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और अंतिम कवि कली के अंदर कवि ने क्या बता दिया है। झुकाते झुकाते तेरी दया दृष्टि पाते, कम को सो दूर भगाते। श्री राजेंद्र को सूझा कर नेहरू गड़िया पूजा, दुख दूर करेंगे मेरे बाबा इब और सहारा न दूजा। मेरी नैया पार लगा दो, लगा दो मेरी नैया पार लगा दो, बाबा ना करियो टाड़ा।